हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त हो। दोस्तों, बहुत सारे ग्राहक का और व्यूवर का कमेंट आ रहा है कि ऑनलाइन रजिस्टर्ड कैसे करना है। एक्साइट बैटरी इन्वर्टर हो, इसका ऑनलाइन रजिस्टर्ड कैसे करना है, वो मैं आज आपको सिखाऊंगा कि कैसे करना है। लास्ट स्टेप तक देखे, बारी बारी से मैं बताऊंगा कि गाड़ी का बैटरी का कैसे रजिस्टर्ड करना है, इन्वर्टर का कैसे रजिस्टर्ड करना है, और इन्वर्टर बैटरी का रजिस्टर्ड कैसे करना है। बारी बारी से मैं आपको बताऊंगा, लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि ऑनलाइन रजिस्टर्ड पेपरलेस वारंटी का आपको रजिस्ट्रेशन करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अब कोई सी भी इन्वर्टर में और बैटरी में वारंटी कार्ड नहीं आती है। अब जो भी होता है ऑनलाइन रजिस्टर्ड ही ऑनलाइन प्रोसेस होता है। ऑनलाइन रजिस्टर करने का फायदे भी है कि अगर आपका बिल अगर आपका गुम हो जाता है तो आपको पेपरलेस वारंटी में आपको क्लेम हो जाएगा। इन्वर्टर में क्या, एक साइड का अगर इन्वर्टर में आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हो, 6 मंथ का ही मिलेगा आपको, 42 मंथ का वारंटी नहीं मिलेगा। ले चलते हैं आपको स्क्रीन की तरफ और बताते हैं कैसे करना। पेपरलेस वारंटी के लिए सबसे पहले आपको एक साइड की कस्टमर केयर की नंबर है उसको आपको सेव करना पड़ेगा। जैसे कि ये नंबर है, एक साइड केयर के नाम से आता है, ये नंबर आप देख सकते हो, ये नंबर है 7044 6 टाइम 0, मतलब कि 7070044 और 6 टाइम 6 बार आपको 0 दबाना। ये नंबर आपको सेव करना है व्हाट्सएप पे। ये नंबर अगर आप सेव कर ले तो व्हाट्सएप पे जाते हो तो ऐसे आपको लोगो आ जाएगा एक्साइट केयर का, उस पर आपको क्या करना है, मैसेज करना है हाय। हाय का मैसेज करोगे, उधर से रिप्लाई आएगा, कभी थोड़ा लेट में आ सकता है, कभी जल्दी आ सकता है। तो आप ये देख सकते हो, एक्साइट बैट मोबाइल डोर स्टॉप सर्विस फॉर कार बैटरी, एक्साइट बैट मोबाइल डोर स्टॉप सर्विस फॉर इन्वर्टर इन्वर्टर एंड बैटरी एंड होम यूपीएस। तो सेकेंड नंबर का जो मैंने वीडियो है वो आपको ये था कि आप अपने बैटरी का कंप्लेन कैसे कर सकते हैं, कंप्लेन रजिस्टर कैसे कर सकते हैं बैटरी और इन्वर्टर का, ये मैंने वीडियो बना के ऑलरेडी डाल दिया है। थर्ड थर्ड में आप देख रहे हो, रजिस्टर योर न्यू बैटरी ऑन होम यूपीएस HUPS। तो इसमें आपको मैं आज सिखाऊंगा कि कैसे रजिस्टर करें। तो मैं आपको ले चलता हूँ 3 की तरफ। 3 डाल के मैंने मैसेज सेंड कर दिया, काइंडली प्रोवाइड योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर मैं किसी का भी डाल देता हूँ, मेरे को मालूम नहीं किसका नंबर है, 2 4 6 7 8 9 10, मैंने ये नंबर डाल दिया। अब क्या होगा कि मेरे से पूछेगा नाम, मैं नाम डाल देता हूँ YT H, लास्ट नाम बाबा। बाबा टेच, लास्ट में मैं टेच डाल देता हूँ। प्रोवाइड योर पिन कोड, पिन कोड मेरा 844506, मैंने अपना पिन कोड डाल दिया। अब मेरे से पूछ रहा है कि आपको क्या चीज का बैटरी रजिस्टर्ड करना है, व्हीकलर बैटरी है, इन्वर्टर बैटरी है, होम यूपीएस है। तो मैं शुरुआत करता हूँ व्हीकल बैटरी से। मैं बारी बारी से तीनों स्टेप में बताऊंगा, व्हीकल बैटरी, उसके बाद इन्वर्टर बैटरी, उसके बाद इन्वर्टर। तो मैं दबाता हूँ 1 नंबर, आ गया बैटरी सीरियल नंबर। बैटरी का आपको सीरियल नंबर आपके बैटरी पे दिखेगा कि बैटरी का सीरियल नंबर क्या है। बैटरी पे आपको एक स्टिकर लगी रहती है, डब्बे पर भी स्टिकर लगी रहती है, वो सीरियल नंबर रहती है। उसके अलावा एक गोदा हुआ भी, मतलब कि पंचिंग मशीन से पैच किया हुआ भी बैटरी पर आपको सीरियल नंबर दिख जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर किसी का सीरियल नंबर मैं डालता हूँ, जैसे कि 7 अंकों का होता है, जैसे कि आप मान लो M7GG2H 88 0, ऐसे में आपका सीरियल नंबर आएगा जो कि बैटरी के ऊपर लिखा रहता है। पीछे का 5 अंक रहता है आपको सेम ऐसे ही आएगा, अलग अलग सीरियल नंबर आता है, आगे का 6 अंक आपको भेज देना ओके करके। सीरियल नंबर नॉट अवेलेबल, सीरियल नंबर नॉट अवेलेबल का मतलब हो गया ये सीरियल नंबर अवेलेबल नहीं है। मैं किसी और बैटरी का सीरियल नंबर डाल के देखता हूँ,
ये मेरे पास एक बैटरी है, इसका सीरियल नंबर आधा बड़ा लगा था, M7L6O37 3784। ये बैटरी का सीरियल नंबर था एक, मैंने दब के देखा, आ गया। ये बैटरी ओरिजिनल है, सीरियल नंबर आ गया। अब इसको प्रोवाइड करना है बैटरी परचेज डेट, तो आज जैसे करंट में परचेज है 27/05/2024, 27/05/24 को मैंने अगर ये बैटरी लिया है तो उसका डेट मेरे को डाल देना है। मैंने डेट डाल दिया। अब ये बैटरी रजिस्ट्रेशन नंबर मांग रही है, जैसे कि रजिस्ट्रेशन नंबर मांग रही है गाड़ी का, कि आपकी गाड़ी का कौन सा रजिस्ट्रेशन नंबर है। तो आप अपने गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर दे, जैसे कि मैं देता हूँ किसी का भी, BR 31 AJ 7529, ये मैं देता हूँ नंबर। अब यहाँ पे आएगा OTP, जो नंबर जो दिया हुआ है, मैंने नंबर दिया था, ये आप देख सकते हो, ये नंबर दिया था, इसके ऊपर जो आप अपना नंबर दोगे उसके ऊपर OTP जाएगा। OTP यहाँ पे सबमिट करते ही आपका पेपरलेस वारंटी रजिस्टर्ड हो जाएगा। तो ये हुआ आपका व्हीकल बैटरी का, ये कैसे रजिस्टर्ड करना है, एकदम आसान है, बिल्कुल भी समझने का आप अच्छे से समझ सकते हैं। अब मैं इसके बाद बताता हूँ कि आपको सेकेंड सेकेंड में आप देख सकते हो इन्वर्टर बैटरी का, इन्वर्टर बैटरी का हमको करना है, तो हमको फिर से इसको काट के अच्छे से पैक करके करना पड़ेगा। आ गए हम सेकेंड पे। सेकेंड पे आपको दिख रहा होगा kindly प्रोवाइड योर रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर, तो आपको अपना मोबाइल नंबर इसमें देना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर हो, जो भी आपका मोबाइल नंबर हो वो देना। जैसे मैंने किसी का नाम दे दिया, मैं दे रहा हूँ अंक। उसके बाद आपको अपना नाम, फर्स्ट नाम देना है, उसके बाद सेकेंड नाम देना है, लास्ट नेम, लास्ट नेम का आपका पिन कोड देना। पिन कोड आपने अपना दे दिया, उसके बाद पूछ रहा है कौन सा, तो मैं जाता हूँ आपको इन्वर्टर बैटरी की तरफ। इन्वर्टर बैटरी की तरफ मैं गया और सेम आपको ये पूछेगा, जैसे बैटरी का सीरियल नंबर, बैटरी का सीरियल नंबर बैटरी का सीरियल नंबर मैं फिर से वही डालता हूँ। आप अपने बैटरी का सीरियल नंबर खुद से डाले, कि आपके बैटरी पे कौन सा सीरियल नंबर है, देख के अच्छे से डाले। जैसे मैं डालता हूँ M7L6O 37 3784, सीरियल नंबर मैंने अपना डाल दिया है, सीरियल नंबर नॉट अवेलेबल। तो ये व्हीकल बैटरी का सीरियल नंबर है, इसलिए नॉट अवेलेबल बता रहा है। तो आपको अपना सीरियल नंबर डालना है, जैसे मैं किसी और का सीरियल नंबर डाल के देखता हूँ, A3H3K32 1589। यहाँ पे आप मांग रहा है डेट, डेट 27/05/2024, मैंने डेट डाल दिया, सीरियल नंबर डाल दिया, आप लोग देख सकते हो कैसे डालना। OTP गया, OTP डालना है, और OTP डालने के बाद आपको बैटरी रजिस्टर्ड हो जाएगा, और उसके बाद आपको WhatsApp पे पेपरलेस वारंटी कार्ड आपको मिल जाएगा, फॉर्म सही सही से फिलअप करें। नेक्स्ट मैं बताऊंगा होम यूपीएस का, होम यूपीएस का कैसे आपको रजिस्टर्ड करना है। होम यूपीएस के करने के लिए मेरे हमको फिर से शुरुआत से जाना पड़ेगा, शुरुआत से हम लोग जाते हैं और करते हैं। हाँ, रजिस्टर्ड बैटरी, नंबर डालना है आपका, जो भी नंबर है आपको डालना है।
आप अपना नंबर डाले जिस पे भी आपको रजिस्टर करना है। कुमार अभिषेक नाम डालना है, आपका जो भी नाम बिल कटा हुआ है उस पे वही नाम डालना है। पिन कोड डाल देना है, उसके बाद आपको बताएगा सीरियल नंबर क्या करना है, मतलब कि हमको व्हीकल इन्वर्टर होम यूपीएस, तो हमको आप होम यूपीएस का करना है इन्वर्टर की, तो हम दबाएंगे थ्री। थ्री दबाने के बाद इसका सीरियल नंबर मांगेगा, तो सीरियल नंबर आपको इन्वर्टर के पीछे स्टिकर लगी रहती है, या फिर आप डब्बे पर भी देख सकते हो, इन्वर्टर पर भी आपको सीरियल नंबर देखने को मिल जाएगी। जैसे कि मैं डालता हूँ इसमें 9207231 67। ये हमारा एक पुराना इन्वर्टर है जो कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, उसको मैं फिर से ऐसे ही करके मैं देखता हूँ होता है कि नहीं, मतलब कि हो तो जाएगा सीरियल नंबर नोट अवेलेबल। सीरियल नंबर नोट अवेलेबल मतलब कि आप अपना सीरियल ये रजिस्टर्ड हो चुका है, तो ये मैं नहीं डाल सकता। तो आप अपने क्या करना है कि आपको अपना सीरियल नंबर डालना है, और सेम प्रोसेस है, सीरियल नंबर डालने के बाद ओटीपी आएगा, ओटीपी आपको डाल देना है और ऑनलाइन बैटरी रजिस्टर्ड हो जाएगा। दोस्तों आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कैसे करना है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, भारत माता की जय।